हेलो टू ऑल माय सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीएमए फाउंडेशन का ओल्ड सिलेबस का, एग्जैक्टली ओल्ड सिलेबस का दिसंबर 2023 के पेपर का सल्यूशन, राइट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सारे के सारे आंसर्स, एंड डेफिनेटली ये आंसर्स देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, राइट। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं विथ आर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू विच ऑफ दिस डस इक्विलिब्रियम रिलेट। ऑप्शन नंबर ए मार्केट कंडीशंस विथ ऑसिलेट्स, मार्केट कंडीशंस ऑफ फॉलिंग प्राइस, मार्केट कंडीशन ऑफ राइजिंग प्राइस, एंड मार्केट कंडीशन विच वन अचीव टेंस टू परसिस्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ परफेक्ट साइंस। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बट नॉट अ परफेक्ट साइंस। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। It is difficult to make correct predictions of economic variables. Economists do not have common opinion about a particular event. Option number A, B and C. तीनों के तीनों रहेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स? यार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, याद आ रहा है क्या? तो विच इज नॉट सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एयर। इट इज नॉट अ इकोनॉमिक रिसोर्स। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, स्केर्सिटी का मतलब क्या है? कमियां, लियोनल रॉबिन्स ने दिया हुआ था। तो विच लेड्स टू नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर रिसोर्सेज, ए एंड बी बोथ, नाइदर ए नाइदर बी। तो दोनों है, नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ स्केर रिसोर्सेज, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, इफ पीपीएफ पीपीएफ पीपीसी याद आ रहा है क्या? इज लीनियर, अगर लीनियर है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ पीपीएफ कर्व इज स्ट्रेट तो क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप तुम लोगों को याद आ रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन अग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अग्रीगेट इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर इज नोन एज डैश फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? कंजम्पशन फंक्शंस। कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को याद आते रहेंगे, अपन लोगों ने अपने मॉक में भी किया हुआ है, अपन लोगों ने अपने मैराथॉन्स में भी किया हुआ है, प्लस सक्सेस बैच और उम्मीद बैच में भी करा हुआ है अपन लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव्स। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी सेविंग्स आर इक्वल टू डैश एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट इज इन्वेस्टमेंट वेजेस, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट वेजेस एंड कंजम्पशन, एंड द राइट आंसर इज टू द इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम ऑफ द इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे सोपा क्वेश्चन, सबसे 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 सोपा क्वेश्चन है ये। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, द ग्रोथ ऑफ रियल रियल आउटपुट, एंड ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी, बराबर है। लेट्स गो आगे, कॉन्फिडेंट आता रहेगा मेरे को, कॉन्फिडेंस आता रहेगा मेरे को, पता है तुम लोगों को। एनडीपी, एनडीपी डज नॉट इंक्लूड पेमेंट मेड फॉर इनकम टैक्सेस, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वैल्यू एडेड फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका राइट आंसर है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? डज नॉट इंक्लूड है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, यही मिस्टेक करके जाते हैं, राइट। तो आई होप तुम लोगों ने सही जवाब टिक किया होगा। कंजम्पशन डिमांड डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। Unemployment that arises when there is a general downturn in business activity is known as frictional unemployment, structural unemployment, cyclical unemployment and disguised unemployment. The right answer is cyclical unemployment. क्या बोला है? General downturn business activity, right? Next अगर हम लोग बात करेंगे balance of trade, balance of payment, अपन लोगों ने difference between भी देखा हुआ रहेगा, बराबर है, याद आ रहा है क्या? डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, सेम एज द बैलेंस ऑफ मर्केंटाइज ट्रेड, सेम एज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। तो राइट आंसर इज सेम एज बैलेंस ऑफ मर्केंटाइज ट्रेड।
इफ अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस देन मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज. ऑप्शन नंबर बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. ऑप्शन नंबर सी मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड. क्या पूछा है उन्होंने? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस तो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट विल कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड. ये भी करा हुआ है अगर याद आता रहेगा तुम लोगों को तो, राइट. मार्जिनल कॉस्ट सबसे सोपा अगेन वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था. तीन लेवल के क्वेश्चन आते हैं. एक तो एकदम डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, एक थोड़ा बहुत मतलब तुम कंफ्यूजन रहते हो, और एक में बहुत ज्यादा सोचना रहता है, राइट. तो होपफुली तुम लोगों को ये ध्यान में है कि क्या है और क्या नहीं है, बराबर है कि नहीं है. तो इसके देखने की जरूरत नहीं है. इट इज अ चेंज इन द टोटल यूनिट टू एडिशन ऑफ वन यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज इम्प्लाइड बाय राइजिंग एमसी, फॉलिंग एमसी, राइजिंग एवीसी, कॉन्स्टेंट टीसी. कितनी बार करा हुआ है? रिटर्न्स इज इम्प्लाइड बाय राइजिंग एमसी, राइजिंग एमसी चैप्टर नंबर 3 सॉरी चैप्टर नंबर 4, बराबर. As per the total outlay method, demand is said to be elastic if, as a result of change in price, total outlay remains the same. E is equal to 1 कब बोलते हैं? Price बढ़े या price change हो, अपने को कोई लेना देना नहीं. अपना expenditure क्या रहेगा? हमेशा same रहेगा, बराबर है. फिर उसके बाद आगे जाएंगे. Very short period is the market condition where the supply remains perfectly inelastic. इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स नो डाउट नॉर्मल प्रॉफिट. देखना ही नहीं है और कुछ भी. ये देखो सेम क्वेश्चन. अ फर्म फेसेस द शट डाउन सिचुएशंस व्हेन प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ऑप्शन नंबर ए, राइट. फिर क्वेश्चन नंबर 20, अ फर्म दैट ब्रेक इवन आफ्टर ऑल इकोनॉमिक कॉस्ट आर पेड इन अर्निंग इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एंड द राइट आंसर इज नॉर्मल प्रॉफिट. डैश में स्टार्ट प्राइस वॉर इन ऑर्डर टू ग्रैप अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट. ओलिगोपोलिस्टिक, डुओपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो राइट आंसर है अपना प्राइस वॉर किस में होता है? ओलिगोपोलिस्टिक में होता है, बराबर है. ओलिगोपोलिस्टिक में होता है, याद आता रहेगा, राइट. एक सेकेंड, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डस मनी सर्व व्हेन यूज्ड टू परचेज और सेल डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. देखने की जरूरत नहीं है. क्या राइट आंसर है? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, राइट. एसएलआर स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो. ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अपने को क्या है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसी ऐसी चीजें जो अपने को क्या करनी पड़ती है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. इफ आरबीआई सक एक्सेस मनी इनटू सर्कुलेशन दिस विल इफेक्ट M1, M2 बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. जितना मेरे को ऐसे लग रहा है, मैंने काफी जगह पे देखा हुआ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंड बी. काफी एक दो बुक्स में भी देखा हुआ है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज M1 को भी और M2 को भी, ठीक है. द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर. देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं. एग्रीकल्चर दिखा मतलब कौन दिखा? नाबार्ड दिखा, बराबर है. तो ये है 25 क्वेश्चंस तुम्हारे इकोनॉमिक्स के. एंड होपफुली तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस मार्क करते आया रहेगा, क्योंकि काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत बहुत अच्छा पेपर था. एक आध दो क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होने ही वाले हैं, तो तुम लोगों को तो उतना समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स की एग्जाम दे रहे हो तुम लोग, बराबर है कि नहीं है. तो ये 25 क्वेश्चन है तुम्हारे इकोनॉमिक्स के. लेट्स गो आगे विद द मैनेजमेंट वाला पार्ट. और क्या बताओ, मैनेजमेंट वाला पार्ट भी बहुत मतलब बहुत प्यारा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अथॉरिटी रिलेशनशिप दैट फॉलो द चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड आई है, कमांड आया है, चेन ऑफ कमांड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट इज लाइन अथॉरिटी. अपने को और कुछ देखने की बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, जरूरत होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द अदर कैन बी एड्रेस्ड, दैट इज पुटिंग प्लान्स इन टू एक्शन, स्टेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लिस्टिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, and last developing premises on which to base each alternative. or right answer is stating organizational objectives. Which of the following is not an advantage of departmentalization by time? Not an advantage बोला है. क्या बोला है? Not an advantage. It aids efficient utilization of manpower. It allows rendering of round the clock services. It mostly results in improved coordination and communication, and it result is continuous cycle without interruption. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. इट मोस्टली रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड
कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू ओवरकम द टेंडेंसी टुवर्ड्स कन्फर्मिटी इन द ग्रुप डिस्कशन, सॉरी ग्रुप डिसीजन मेकिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ग्रुप थिंक, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स एंड राइट आंसर इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर. इट फोकसेस ऑन रिजल्ट, इट गेन्स एडवांटेजेस ड्यू टू द वर्क स्पेशलाइजेशन, enables employees have more than one boss and it is based solely on teams. So right answer is option number A, that is it focuses on results. McGregor's, yaad aa raha hai kya McGregor's x and y ki theory, view that employees will exercise self direction and self control when they are committed to the objective, that is called as x theory. Z theory, y theory, z to aayega nahi, a to aayega nahi, x is for negative, y is for positive, that is say yes. So option number C is the right answer. Company policy, administration, supervision, interpersonal relations, working conditions and salaries are categorized as growth factor, achievement factor, hygiene factor, motivating factor. कौन सा है? Hygiene factor. Regarding to the policy, administration, working conditions. तो कौन सा है? Hygiene factor. For the individual employee, MBO provides special personal performance, objectives, communication between co-workers, means to an end, a way to keep the company accountable. And right answer is option number A, that is specific personal performance. Employee recognition can be a strong motivator, leads to unrealistic expectations. No, ये नहीं हो सकता है. Helps in MBO program and assist in goal setting. So right answer is अपना option number A, that is be a strong motivator. What does ERG stand for? Very easy. Existence, relatableness and relatedness and growth. Existence, relatedness and growth. ये भी तुम्हारा chapter number 6 के अंदर था, सारे theories के साथ साथ, right? The functional approach to leadership emphasizes that the various functions of leadership cannot be shared among members of group. Leadership resides in a particular person and not in a function. Both A and B, neither A and B. तो इसका सही जवाब है neither A and B, क्योंकि ये approach to leadership के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? Which of the following qualities did the Institute for Social Research, University of Michigan, जो भी बुलाएंगे तुम लोग, Michigan, जो भी बुलाएंगे, find in the effective supervisors, that is participative problem solving, delegation of authority, concerns for subordinates, and A, B, and C. तो right answer is option number D, that is A, B, and C. Contingency theory of leadership are based on the belief that there is no single style of leadership appropriate to all situations. There is a single style of leadership appropriate to all managers. There is a single style of leadership appropriate to all situations. Neither A, neither B, neither C. तो क्या पूछा है? Theories of leadership are based on there is no single style of leadership appropriate to all the situations. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन 39. अब तक के लिए तुम लोग देखते रहेंगे कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले. तो होपफुली तुम लोगों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ तक के, बराबर है कि नहीं है. लेट्स गो आगे विद क्वेश्चन नंबर 35. दैट इज व्हेन वी क्लासिफाई मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डिस्क्राइब्ड एज फंक्शनल स्टाफ एंड लाइन मैनेजर, टॉप मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर. क्या बोलने की जरूरत ही नहीं है. कितने लेवल में मैनेजर डिवाइड है? तीन. टॉप, मिडल, लोअर. टॉप, मिडल, लोअर. इधर सुपरवाइजर लिखा है मतलब लोअर ही हो गए. सो यू डोंट हैव टू वरी, वो सुपरवाइजर भी राइट आंसर है इसका. डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी, हायरार्की, फॉर्मल सिलेक्शन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इम्पर्सनैलिटी आर ऑल फीचर्स ऑफ वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल्स के याद आ रहे क्या, एंड टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इसका राइट आंसर है वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, मेरे को पता है तुम लोगों ने ये तुक्का मारा रहेगा फॉर श्योर. मेरे को पता है अपने बच्चे कैसे करके, राइट. द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ईजी क्वेश्चन है. बिटवीन पीपल, डिविजन, डिपार्टमेंट्स और यूनिट इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज लैटरल कम्युनिकेशन. और लैटरल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डोंट वरी, ये सारे ऑप्शन मतलब जो भी है ये PDF पे भी अपना टेलीग्राम पे डलवा दूंगी. तो यू डोंट हैव टू वरी, वहां पे भी आप देख सकते हो, आपके आंसर्स वापस से चेक करने का काम कर सकते हो, राइट. क्लियर. The general manager's meeting is most likely a result of following management, that is organizing, planning, decision making and control. Right answer is decision making. Question number 43. When among the following is appropriate associated with contribution to quality control in operation management? Baggage, Gilbert, Denning and Fuel. So right answer is tumhara Denning.
किसने डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद चल रहे डेफिनेशन किए रहेंगे, तो एकदम आराम से तुम लोगों को अच्छी तरीके से तुम लोगों को क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। The three major types of forecast used by business organization are strategic, tactical and operational, economic, technological and demand, exponential smoothing, Delphi and regression, departmental organization and territorial. The right answer is economic, technical and demand. Which of the following would be least likely to pose a barrier pucha hai, to a cross cultural communication, that is tone difference, word communication, political correctness. Ye communication ke time pe tha tumhara, agar yaad bhi aata rahega to. The right answer is political correctness. Kya right answer hai? Political correctness. SWOT analysis divide organizational strength into, kis mein divide karta hai tumhara? Distinctive competencies. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 47। अ बजट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान, सिंगल यूज प्लान, इनफॉर्मल प्लान, स्टैंडिंग प्लान। एक ही बार में यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज सिंगल यूज प्लान, राइट। हर बार चेंज होता रहता है। स्टाफिंग इज अ डैश एक्सरसाइज, स्टाफिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स, प्लानिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन। कॉमन गोल्स के लिए क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल टूल, बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑडिट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी ऑडिट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो राइट आंसर इज नॉट अ कंट्रोल टूल, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। एंड योर आर योर सॉल्यूशंस फॉर योर इकोनॉमिक्स का पेपर, राइट, फॉर द ओल्ड सिलेबस। तो होपफुली तुम लोग ये पेपर को चेक करेंगे और अगर कॉन्फिडेंस भी आया रहेगा तो फटाफट से ये कॉन्फिडेंस का भी बताएंगे, राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट आगे विथ योर स्टडीज ऑल्सो, बराबर है कि नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे, और अगर और वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट करेंगे किसके ऊपर वीडियोस चाहिए, सो दैट डेफिनेटली वी विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियोस, राइट। प्लस उसी की तरह बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, तुम्हारा लॉ का पेपर डिस्कस हुआ है, मैथ्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर भी है, प्लस ये इकोनॉमिक्स का पेपर भी आया हुआ है, तो आप लोग आपके मार्क्स को क्रॉस चेक करने का काम कर सकते हो। प्लस उसी की तरह श्रुति मैम ने बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं CMA को लेकर, तो दोज विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, दैट इज फॉर श्योर। सो यस, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप स्टडिंग, टेक केयर।